वो आपको उनके लिए परफेक्ट समझते हैं एंड उनको जो चाहिए वो अल्टीमेटली आप ही हैं। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। व्यूअर, आई फील आपके पर्सन अभी आपके साथ कनेक्शन में नहीं है एंड इस कनेक्शन को लेकर उनके मन में कुछ अवेकनिंग हुई है। मुझे लगता है कि वो आपके इस कनेक्शन को और एक्सप्लोर करने की कोशिश में है। आई फील उनको ये कनेक्शन पहले क्लियरली नहीं दिख रहा था, वो वरिड थे इस चीज़ को लेकर कि कनेक्शन बहुत अच्छा है एंड ये सब सच नहीं हो सकता। आई सी उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं था, उनको लगता था कि आप उनके लिए ऐसा कभी फील ही नहीं करोगे। आई क्लियरली सी उनको यहाँ बहुत टाइम लगा है मनी मन दिल से आपके ऊपर भरोसा करने में। उनका यहाँ पास्ट में एक हार्ट ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से आई सी ये यहाँ अपने ऊपर बहुत कठोर रहते हैं। आई डू फील कि ये पर्सन अभी अपने आप को दोबारा से स्टैंड करने में लगे पड़े हैं एंड खुद पर वर्क कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कॉन्फिडेंट होने की। आई फील वो अपने फाइनेंसेस सुधार रहे हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हैं। आई ऑल्सो फील अभी वो प्राउड फील नहीं करते उस प्लेस पे जिस प्लेस पे वो अभी हैं। उनको बहुत टाइम लगा है इस कनेक्शन को समझने के लिए, वो बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं एंड आई सेंस कि वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं एंड प्लेफुल काइंड ऑफ रहना चाहते हैं। आई फील आप दोनों के पास्ट में यहाँ कुछ ऐसा सामने आया था और उन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा जिसने आपका दिल तोड़ दिया। आई डोंट थिंक यहाँ आपकी कोई गलती है। आई फील आप इस सिचुएशन में सेंसिटिव थे जस्ट बिकॉज उनसे सच नहीं संभाला गया, सो उन्होंने खुद में कुछ टाइम लिया और वो पीछे हट गए। आई डू फील लाइक कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आगे आना चाहिए बट वो अपना स्टेटस और अपनी ईगो ऊपर ही रखना चाहते हैं। ये यहाँ कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हैं एंड इन्हें बहुत टाइम लगने वाला है इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस रियलाइज करने में। एसेंस कि आप किसी एक्सप्लेनेशन या किसी टाइप के साइन को फाइंड कर रहे हैं जो कि यूनिवर्स आपको देना चाहता है। आई फील वो सोचते हैं आगे आने की एंड सोचते हैं आपसे कमिटमेंट करने की, बट उन्होंने रिकग्नाइज किया कि वो अभी इतने स्टेबल नहीं हैं कि आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर पाए, प्लस उन्हें खुद भी यहाँ हील होना है और अपनी नेगेटिव एनर्जीज मिटानी है। समवेयर आई फील वो वरिड हैं, उन्हें लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे एंड उनकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो जाएगी, बट आई कैन सेंस कि वो आपके पास आना चाहते हैं एंड उन्हें लगता है कि ये ट्रू लव है एंड ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है। आई सी वो एक कदम आगे आ रहे हैं बट देन दो कदम वापस क्रॉल करके पीछे जा रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब तक वो अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं कर लेते तब तक वो पूरी तरह से आपके पास नहीं आ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगा बट आई सी आपको यहाँ वेट करना होगा। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। आई डेफिनेटली फील लाइक आपके पर्सन का बहुत रफ पास्ट रहा हुआ है एंड मेसी फैमिली इशूज रहे हैं। आई फील कि ये पर्सन डिज़ायर करते हैं कि वो उनकी एंगजाइटी से बाहर आए एंड आपके कारण ऐसा हो सकता है। मे बी आपके पास बहुत एबिलिटी है उनसे बात करने की एंड वो इसको बहुत एडमायर करते हैं। मे बी वो इनसिक्योर हो जाते हैं एंड उनका मन नहीं है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स देखें, उनका मन नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों से डील करना पड़े जिन चीज़ों से उन्होंने डील किया है या डील कर रहे हैं। आई फील वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में ला रहे हैं। ऑल्सो वो यहाँ दूसरे लोगों के बेटरमेंट के लिए उन्हें सर्व और चैरिटी भी कर रहे हैं। ऐसी आपके पर्सन को आपके साथ आना है
वो चाहते हैं आपके साथ वैसा कनेक्शन बनाना, एंड वो कमिटमेंट भी लेकर आ सकते हैं, बट वो अभी पेशेंट हैं। उन्हें पता है कि उनको पहले बहुत चीज़ों को ओवरकम करना है, देन ही वो आपके डिजर्विंग बन सकेंगे। आई गेट अ वाइब कि उनके पास्ट में कोई रह चुका है, मे बी एक्स और एनीवन, जिसकी वजह से वो ऐसे हैं, एंड इस बार वो बिल्कुल नहीं चाहते उस नेगेटिव एनर्जी को उनकी लाइफ में आने देना। उन्हें यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि वो इन सब से बाहर निकल जाएंगे, बट आई फील कि ये सब उन्हें एंग्शियस कर रहा है। आई फील पिटी, आपके पर्सन बहुत कुछ मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं, एंड आपके इस कनेक्शन की वजह से उनको थोड़ी उम्मीद मिलती है फ्री होने की इस नेगेटिव एनर्जी से, बिकॉज उन्हें आपके और उनके कनेक्शन को जीत दिलानी है। वो आपको उनके लिए परफेक्ट समझते हैं, एंड उनको जो चाहिए वो अल्टीमेटली आप ही हैं। आई फील उन्हें एक हैप्पी फैमिली चाहिए आपके साथ। ये पर्सन बहुत ही केयरिंग है एंड फैमिली ओरिएंटेड है, एंड उनको एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करने की इच्छा है। आई फील उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला जब उनको बहुत ज़रूरत थी, एंड आपने जो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया वो उन्हें आज तक किसी ने नहीं करा। इसके कारण वो आपको दिले दिल बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्लियरली ऐसे आपने उनके दिल में एक अलग ही जगह बनाई हुई है, वो ना आपको कभी भूल सकते हैं और ना ज़्यादा समय के लिए आपको खो सकते हैं। आई फील वो वापस आएंगे एंड आपके साथ रीयूनियन करेंगे। उनको आपके साथ डीप में सारी बातें करनी है जो मे बी आप लोग जब साथ थे तब करते थे। वो मिस करते हैं ये सब, और वो दिन दूर नहीं जब वो आएंगे एंड आपके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल होगी। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। ट्री विजडम, ये फेरी कहना चाहती है कि आपकी करंट सिचुएशन ठीक हो सकती है ट्री कनेक्शन के जरिए। आपको कुछ देर के लिए आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि आप पेड़ की तरह जमीन के अंदर हैं, और उस पेड़ से आपको कहना है मे आई हग यू ट्री। आपको तुरंत एक इंस्टेंट फीलिंग के जरिए अपना जवाब मिलेगा। ये फेरी कहना चाहती है कि ट्री विजडम के जरिए आपको अपनी लाइफ की सभी अनचाही केयर और कंसर्न्स को प्यार के साथ छोड़ना है, ताकि आप अगले सीजन में नई स्पिरिचुअल ग्रोथ रिसीव कर सको। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।